हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिंदी का चैप्टर है भारत एक खोज। आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की भारत एक खोज, उस बुक से हम लोग जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता करने वाले हैं। और यह जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो भी एलडी ग्रेड की परीक्षाएँ होती हैं यूपीएससी की, उन सब में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह जो है भारत एक खोज चैप्टर थर्ड है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो यह सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके बारे में तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है, जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम में हड़प्पा में मिलते हैं। देखिए, भारत का जो अतीत है वो बहुत ही पुराना है, हमें इतने अवशेष मिलते हैं जिससे कि पता चलता है कि भारत में बहुत सारी संस्कृतियाँ हुई हैं और बहुत पहले से हैं। भारत के अतीत की जो सबसे पहली तस्वीर है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो जो शहर है, सिंध प्रांत का मोहनजोदड़ो जो शहर है, और पश्चिमी बंगाल में जो हड़प्पा शहर है वहां से मिलता है। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी। इससे पहले हमें लगता था कि हमारी जो सभ्यता है वही सबसे विकसित सभ्यता है, लेकिन जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें मिलते गए, उसने जो है कि मानव सभ्यता में एक नई क्रांति ला दी कि हमसे भी पहले बहुत सारी विकसित सभ्यताएं थी धरती पे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो ये जो नगर हैं, आता एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, ठीक है। इन दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इन दोनों स्थानों पर ये जो खंडहर खोजे गए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये जो है बस एक संयोग वश हुए थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ऐसे बहुत से नगर और अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। मीन्स कि अगर हमें एक या दो अवशेष मिलते हैं तो उससे हम ये भी कह सकते हैं कि प्राचीन में मनुष्य ने ऐसे ऐसे बहुत सारी सभ्यताएं बसाई होंगी, नगर बसाए होंगे। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इन सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोज की जाए। मीन्स कि ये जो सभ्यताएं हैं, जब हम खुदाई करते हैं और संयोगवश ये जब खंडहर हमें मिलते हैं और उसके जो अवशेषों की स्टडी जो पुरातात्विक विभाग है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो विभाग है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें इनकी खोज की जाती है और इन पे अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने के बाद यह जो है निष्कर्ष निकाला जाता है कि हमारे धरती पे, हमारे भारत में कौन कौन सी सभ्यताएं मौजूद थी, ठीक है। संभव है कि भविष्य में इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजों की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पे मिलते हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ा और पंजाब में अम्बाला जैसे जिले। मीन्स कि यह जो सभ्यता है इसके अवशेष जो है हमें मिलते हैं, हमें पंजाब के अम्बाला से लेके पश्चिम में काठियावाड़ तक में मिलते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। मीन्स कि विश्वास करने का मतलब है कि जहां भी हमें अवशेष मिलेंगे तो उससे ये प्रूफ होता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि वहां पे यह सभ्यता थी, ठीक है। इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। यह सभ्यता बस एक शहर की नहीं है, यह बहुत ही बड़े व्यापक क्षेत्र में है। अब तक हमने जो ज्ञान जान सका है उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिलती है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्म
निरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस सभ्यता पर हावी नहीं हो सके थे। यह भी स्पष्ट है कि भारत के में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी सिंधु घाटी सभ्यता ने। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र से क्या करते थे, व्यापार करते थे, उनसे व्यापार करते थे। कुछ दृष्टि से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। मीन्स कि ये कहा जा रहा है कि जो अवशेष हमें मिलते हैं उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बहुत सारे दृष्टियों से यह जो सभ्यता थी उनकी सभ्यता से बहुत अच्छी थी, और यह एक ऐसी नगर सभ्यता थी जिसमें व्यापार के धन्ना जो व्यापारिक वर्ग था वो बहुत ही ज्यादा धनवान था। सड़कों पर दुकानें की कतारें थी, दुकानें संभवतः छोटी थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वर्तमान भारत के 20 समय के कई ऐसे दौर गुजरे जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए, लेकिन भीतर भीतर निरंतर था कि एक ऐसी श्रृंखला चली आ रही जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें क्या करता है, चली आ रही परंपरा, रहन सहन, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अवशेष हमें मिलते हैं उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो रहन सहन थे, लोक प्रचलित रीति थे, दस्तकारी थी, पोशाके थी, वो आज की सभ्यता से बहुत ही ज्यादा विकसित थी। इस बात में यह बात जो है बहुत ही दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में एक मीन्स की अभी जो विकास हुआ है रहन सहन, दस्तकारी, रीति रिवाज और पोशाकों में, वो जो आज हुआ है वो एक वो बहुत ही कम है, एक नन्हे बच्चे के विकास की तरह है, बल्कि अनेक रूपों में विकसित सायने रूप से दिखाई पड़ते हैं और जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उनसे कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है, उससे केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज्यादा ठेठ चिन्ह, अच्छे हमामों और नालिकाओं के तंत्र का भी निर्माण किया था। आर्यों का आना, अभी तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं क्लास 8 की हिंदी की भारत एक खोज पुस्तक में हम पढ़ते हैं आर्यों का आना, लेकिन आज अभी जो 6 मंथ से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो विभाग हैं जो सर्वेक्षण कर रहे हैं उसमें जो निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि आर्य जो थे कहीं बाहर से नहीं आए थे। वो जो हम पढ़ते हैं कि आर्य उत्तर और पश्चिम से भारत में आए थे ये गलत है, लेकिन हमें जो है किताब में यही पढ़ाया जाता है आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कहाँ से आए थे इसका हमें अब भी पता नहीं। यह संभावना है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी, संभावना नहीं, ये पूरी तरह से निष्प्रूफ हो चुका है आज के टाइम पे। जब ये चैप्टर बनाया गया था, जब ये पुस्तक लिखी गई, तब ये शायद नहीं पता था कि बस ये संभावना थी कि ये जो आर्य थे इसी देश की संस्कृति के लोग थे, लेकिन आज ये चीज प्रूफ हो चुकी है। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। मीन्स कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उन लोगों को ये लगता है कि इसके जो विद्वान हैं वो दक्षिण भारत के जो द्रविड़ जातियाँ हैं उनमें और आर्यों में बहुत ही ज़्यादा समानता है। समानता होने का मतलब यही है कि ये लोग इसी संस्कृति के लोग थे। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह
घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटित हुई होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। आगे देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती है। मीन्स की सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो बहुत ही ज्यादा विकसित सभ्यता थी और कहा जाता है कि अचानक से विलुप्त हो गई। कोई आकस्मिक ऐसी घटना हुई, दुर्घटना हुई जिससे कि यह सभ्यता विलुप्त हो गई जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपने भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखी हो गई हो, खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जम गए जिसे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगर वासियों को मजबूर होकर नींवों पर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर काम मकान बनाने पड़े और खुदाई में निकले कुछ मकान दो या तीन मंजिल जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर इनकी क्या होती गई, दीवारें भी ऊंची उठाई गई हैं। हम जानते हैं कि सिंधु का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था। मीन्स की कहा जा रहा है कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो जिस जगह पे थी वो बहुत ही समृद्ध और उपजाऊ थी, पर मध्य युग के बाद वह ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। मीन्स की जो कहा जा रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी जो विलुप्त हो गई अचानक से, उसका कारण ये हो सकता है कि सिंधु नदी में बाढ़ आया हो। और इसके सबूत भी मिलते हैं कि आती है बहुत बड़ी बड़ी सिंधु नदी में और वो अपने साथ नगरों और शहरों को बहा ले गई हो, या फिर सैंड के तूफान आए हों और उन्होंने पूरी तरह से शहर को ढक लिया हो। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तन जो होते हैं उन इलाकों के निवासी और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नगर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो है कि यह संभवतः गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। मीन्स कि हमारे पास कुछ सबूत तो हैं जो बताते हैं कि यह सभ्यता बहुत दूर दूर तक फैली थी गंगा नदी के किनारे तक, लेकिन पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। वह बालू जिनसे इनमें की बहुत प्राचीन शहर पर छा गया था, ढक लिया था, उसी ने इन्हें सुरक्षित भी रखा। मीन्स की जो नगर सभ्यता थी वो बालुओं में ढक गई और इसलिए आज वो सुरक्षित है। और जब हम खुदाई करते हैं तो हमें बहुत सारे सबूत मिलते हैं, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के काल खंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि में बहुत आयता थी, गोकी नगर और थोड़ा बहुत सारी जीवन भी मौजूद था। खेती हर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कृषि का उन्होंने जो आ रहे थे जो कि उत्तर पश्चिम से हमारे देश में आए थे, उन्होंने कृषि पे जोर दिया और कृषि शुरू किया, जबकि ये बात जो है कि पूरी सरासर गलत है। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी जो सिंधु घाटी के युग के लगभग के 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर ना रहा हो और पश्चिमोत्तर ना रहा हो और पश्चिम से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों, भारत में जज्ब होती रही हों। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय मेल और जुल बाहर से आने वाले आर्यों और उनके द्रविड़ जातियों के लोगों के बीच संभव हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय मेल जुल से भारतीय जाति और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ जिसमें दोनों सभ्यताओं के
दोनों सभ्यताओं के क्या होते हैं तत्व तो साफ दिखाई पड़ते हैं। मीन्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो बाहरी सभ्यता थी और जो यहाँ की सभ्यता थी उन दोनों के निशान हमें दिखाई पड़ते हैं, जबकि ये चीज़ें गलत है। ये जो सभ्यता थी पूरी की पूरी भारत की ही सभ्यता थी। बाद के युगों में और बहुत सी जातियाँ आएँ, सब ने अपना प्रभाव डाला और फिर घुल मिल रह गए। प्राचीनतम अभिलेख हमें क्या क्या मिले हैं, धर्म ग्रंथ और पुराण जो है हमारे पास वो हमें क्या बताते हैं, और प्राचीनतम जो अभिलेख हैं वो हमें क्या बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले हम यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। मीन्स की सिंधु घाटी सभ्यता की जब तक खोज नहीं हुई थी तब तक हम यही समझते थे कि जो हमारे वेद हैं ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद यही हमारे सबसे पुराने प्रमाण हैं। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा। जो समय है ना इसका निर्धारण बहुत मतभेदपूर्ण रहा है और है आज भी है, क्योंकि जो लोग समय समय पर आए उन्होंने इस चीज़ को चेंज किया, बदलने की कोशिश की। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और विद्वान भारतीय विद्वान पहले। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व मानते हैं। मीन्स कि आज के टाइम पे माना जाता है कि यह जो ऋग्वेद हैं जो लिखे गए हैं वो जो है कि ईसा पूर्व के हैं, 1500 ईसा पूर्व के हैं। पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इन आरंभिक भारतीय ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे। ऐसा कह दिया गया कि जो आर्य आए थे वो ऐसे विचार लेकर आए थे, लेकिन ये गलत है। आर्य कहीं से आए ही नहीं थे, वो भारत के ही लोग थे और उन्होंने वेदों की रचना की थी। विचार जिसे ईरान में अवेस्था की रचना हुई थी, भारत की धरती पर उन्होंने इन्हीं विचारों का पलवन किया। वेदों और अवेस्था की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृति की अपेक्षा के अवेस्था के अधिक निकट है। देखिए अभी जो माना जाता है कि अवेस्था जो ईरानी सभ्यता थी, हमें नहीं लगता कि ईरान में कोई सभ्यता पलवित हुई थी। यहीं के लोग ईरान में जाके कोई सभ्यता पलवित किए थे अवेस्था, और अवेस्था भी हमारे वेदों से चुरा कर लिखी गई महाकाव्य है। ठीक है, और भारत के जो महाकाव्य है संस्कृत जो है वो अवेस्था के करीब नहीं, बल्कि अवेस्था भारत के वेदों के करीब है, संस्कृत के करीब है। ठीक है, ये सच्चाई है। अब हम पढ़ते हैं वेद में हम ये पढ़ते हैं कि बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, मीन्स कि ऐसा माना जाता है कि यह जो वेद है वो किसी के द्वारा लिख के प्रकाशित कराए गए हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेदों की उत्पत्ति विद धातु से हुई जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर। मीन्स की मूर्ति पूजा भी नहीं है, देव मंदिर भी नहीं है। वैदिक युग के आर्य में जीवन के प्रति इतना उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। अब देखिए इस बुक में जो हमें पढ़ाया जाता है वही हम पढ़ते हैं, लेकिन जो ये बुक में पढ़ाया जा रहा है वो सही नहीं है। पहला वेद यानी कि ऋग्वेद, जैसे कि आपको पता है कि जो वेद हैं जो हम पढ़ते हैं उनमें पहला वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद अथर्वेद जो कि शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है, इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है, प्रकृति के संदर्भ और रहस्य के प्रति हर्षोमाद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए थे। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई।
जो सभ्यता का उसा काल था, सभ्यता का उसा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज अवस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व शक्तियों में देवत्व का आरोप किया। यह पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया कि भारतीय लोग जो लोग थे जो भारतीय लोग परलोक परायण थे। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यह बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। मीन्स कि इस बुक में हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जो थे गरीब थे और गुलाम थे और वो अपने इस दुख का कारण अपने परलोक को मानते थे, जबकि जो पूरे ब्रह्मांड की रचना है वो ही इसी पे निर्धारित होती है कि अल्लाह ऑफ कर्मा से कोई भी अछूता नहीं होता है। लेकिन इसको गलत पढ़ाया जाता है हमारे स्कूलों में और हम यही पढ़ते हैं और परीक्षाओं में भी यही क्वेश्चन और आंसर पूछे जाते हैं। तो इस बुक को आप अपने परीक्षाओं की दृष्टि से पढ़ें तो ठीक है, लेकिन अगर विचारों को समझने की दृष्टि से पढ़ें तो परलोक होता है, ठीक है, लोक होता है, परलोक होता है। और वेद जो है इस ब्रह्मांड में हमारी धरती पर जीवन का आधार है, उसी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है अपने जीवन जीने के लिए। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक जो जीवन को स्वीकार करती है, जो दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है तो कभी दूसरी पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्वास को निरर्थक मानने वाली नहीं है। जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीवन जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे युगों में कला संस्कृति साहित्य साथ ही गाने नाचने की कला चित्रकला रंगमंच सबका विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि इसका आधार पर लौकिक हो या जो विश्व को व्यर्थ बनाती है, जो विश्व को व्यर्थ मानती हो। वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन के अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर परलौकिकतावादी होगी वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर जिसकी बेसिस जो है परलोकवादी होगी वह हजारों वर्ष तक बनी नहीं रह सकती, जबकि ये सही नहीं है। जो संस्कृति परलौकिकतावादी होगी वह जो है लंबे समय तक बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, भारतीय संस्कृति की निरंतरता, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको करेंगे क्योंकि यह चैप्टर काफ़ी बड़ा है, एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो भारतीय संस्कृति की निरंतरता यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को लाइक करिए और जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको मिलता रहे। धन्यवाद।